देखिए प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो लोकतंत्र के विरोध में है। इस देश में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ आंदोलन करना लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, जनता का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, काम करने वाले देश के अनेक नागरिकों का अधिकार है। और ये अधिकार कोई कांग्रेस पार्टी या प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं दिया है, ये अधिकार हमारे संविधान में है। फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये सब बातें होने के बाद में भी शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने आंदोलन नहीं करना चाहिए, ये बात मुख्यमंत्री जी ये बात प्रधानमंत्री जी किस आधार पर कह रहे हैं? क्या उनका कहना कानूनी है? क्या उनका कहना संविधान के दायरे में उचित है? मुझे लगता है इसका प्रधानमंत्री ने आत्मपरीक्षण करना चाहिए। एक बात जरूर है कि जो लोग एक समय 2G स्पेक्ट्रम में जीरो भ्रष्टाचार हुआ कहने वाले लोग थे, जो एक बार रामदेव बाबा को संत कहकर उनको तीन तीन बार चार चार बार मिलने के लिए गए, जिन लोगों ने अन्ना हजारे के साथ चर्चा की 10 बार, तब लोग अच्छे थे। अब भ्रष्टाचार हटाने की बात को छोड़कर जो लोग बोल रहे उन्हीं को टारगेट करके एक प्रकार से उनको समाप्त कैसा किया जाए, अगर आप हमारे खिलाफ बोलेंगे तो आपका आंदोलन कोई चलने नहीं देंगे, इस प्रकार की नीति है। एक तरफ सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया है, ये पूरी तरह लोकतंत्र के विरोध में है। और हिंदुस्तान की जनता जो लोकतंत्र को अपना आत्मा मानती है वह ऐसे बातों का कभी समर्थन नहीं कर सकती, क्योंकि इमरजेंसी में इन्हीं हिंदुस्तान की जनता ने लोकतंत्र के विरोध में जो कुछ हुआ उसका प्रतिकार करके उस समय के सरकार को सबक सिखाई थी। और निश्चित रूप से अगर इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी अगर देश चलाना चाहते हैं तो देश की जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं